सर वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, जो आपका सेना मेडल वाला है सर, इफ यू कुड नरेट द थिंग लाइक व्हाट वाज इट एंड हाउ वाज इट सर, See, द ऑपरेशन I और went एनीथिंग through, एनीथिंग अबाउट yeah. मेरा क्या था ना रुद्रा, मेरे ना there is a streak, very strong streak of unconventional and unpredictable leadership in me. और ये मैंने बहुत सर. संभाल के रखा, in spite of doing JCAI, staff college, senior command, all courses I and instructor. मैंने कहा नो, वो ठीक है, SOP से करना है. So I got chance in सर Punjab initially, अपने बहुत ऑपरेशन के, but I was very young, nobody, I never got any award. बट वेन आई केम टू कश्मीर करेक्ट मैं सोच के आया था ये, एंड दिस वॉज वेन आई वॉज अबाउट टू बिकम अ सीओ बाय द वे, आई वाज सीनियर मोस्ट मेजर इन द एंटायर वैली है. मैं 17 साल सर सर सर्विस सर थी मेरी तब, तो मैं सोच के आया था. ओके और सर पहले दिन जब मैं आया था 36 आवर्स में, मैंने सीओ को वर्ड्स बोले थे, रुद्रा तुमने कभी जिंदगी में सुने नहीं होंगे मैंने क्या बोला था. और मैं तब ऑलरेडी सर पीएससी सर था, बीएम कर चुका था, एक आर्मर्ड ब्रिगेड का बीएम कर चुका था, कंपनी कमांडर, सर सीओ बनने वाला, तब मेरे को भेजा इन्होंने. मैंने कहा सर देखो, मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ यहाँ, या तो तिरंगे में जाऊंगा या नाम कमा के जाऊंगा, मेरे लिए और कोई बीच का रास्ता नहीं. सर तो ही वॉज शॉक, इसे यार ये तो मुझे आज तक जिंदगी में यश किसी ने नहीं ये बात कही यार. तो सर मैंने कहा सर देखो, तो प्लीज सेंड मी टू द टफेस्ट एरिया, टफेस्ट कंपनी, आई एम वेरी फिट, आई एम फिटर देन ऑल योर कैप्टन पुट टुगेदर. तो ही वॉज सर सरप्राइज यार, यू नो इस टाइप से. तो ही सेंड मी टू फार फ्लंग एरिया ब्रिंग वैली में. So I commanded सर a company which was, you know, not doing very well, and the previous company commander had his own issues and all. So हमने क्या किया, वहां ना एक small team बनाई रुद्रा, 10-12, and these boys are all गढ़वालीज and RT. They don't know me, सर I don't know them. मेरी unit होती तो अलग बात करेक्ट थी. तो हमने सर उनको सर सर training दिया, और उसके बाद हमने 18 महीने में we killed about 20 to 30 hardcore militants in very very close combat. तो उसमें उसमें देयर वाज एन ऑपरेशन इन विच वी गॉट टू रियली बिग शॉट्स, हरकतो जादे इस्लामी का एक डिविजनल कमांडर था, एक और था, एंड हमने दो दो तीन तीन में ही काम करते थे हम, जस्ट मी माई बडी एंड दिस. बहुत रिस्क लिया, इतना रिस्क लिया. सो इनिशियली आई गॉट फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड फॉर अ सेना मेडल. तो समबडी सेड यार ये 40 साल का ऑफिसर कैसे ले सकती है, काम करता है. सो आई गॉट अ चीफ कमेंडेशन फॉर गैलेंट्री. ओके Then again, my team performed very well. Again, my citation went for a Sena medal, which I got it. You know where? I was in Dhaka. मैं बांग्लादेश में I'd gone for doing my second staff course there. तो वहाँ पे मेरा award आया for an operation I had done about 7-8 months back, where we had killed a divisional commander and this. And mostly it was very very you know touch and go kind of operation. हम भी जा सकते थे. You know, इस टाइप की बात थी, बट एक फितूर था, एक कफन बांध के निकले थे हम कि यार कुछ करना. ऐसे मेरे लड़के थे, ऐसे जांबाज लड़के, मतलब ऐसे दिलेर लड़के. मैं जिंदगी में मैं चाहता हूँ सबको कैप्टन बना देता यार, मेरे हाथ में होता तो, जो मेरे सारे जवान थे. तो ये एक एक, सर, आई थिंक एक बहुत जबरदस्त आई थिंक सर ऑपरेशन का सबसे आई मीन यू आर सो हैप्पी अबाउट योर ऑपरेशन बिकॉज सर आई डोंट थिंक यू लॉस्ट एनी ऑफ योर मेन. नो, नेवर नेवर. एंड I think rather than killing a terrorist, not losing your men is the biggest achievement an officer can actually have. Absolutely, absolutely. मैं पता क्या कहता था Because रुद्रमा, sir, मैं कहता था यार हाँ सर बताइए, ये जो भाड़े के पाकिस्तानी है ना, इसकी कीमत 10,000 रुपए है, बिकॉज 10,000 रुपीज वी वुड गेट इफ यू किल अ पाकिस्तानी मिलिटेंट. मैंने कहा तुम दस sir. करोड़ के हो, मैंने कहा एक एक सिपाही 10 करोड़ रुपए का यार, तुम्हारी तुम देश के लिए कितने कीमती हो यार, तुम्हारे तुम चले जाओगे तो फैमिली पेंशन ये वो, तुमको ट्रेनिंग दिया है, तुम एक जांबाज आदमी हो. मैंने कहा ना भाई, मैंने ऐसा काम करेंगे कि अपनी जान बचानी और उसको ठोकना हो तो बड़े का आदमी है यार. तो एग्जैक्टली वैसा ही वो तो सर मरने के लिए बना है. एब्सोल्युटली उसने मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल मरेगा. 100% 100% एक भी नहीं जिंदा वापस जाता है पाकिस्तान, सबके सब मरते हैं सर सर सर. And I think, sir, this is what I would like to mention to every aspirant. You know, जो सर ने बताया, everybody, you all want gallantry awards. आप लोग चाहते हो कि आप लोग para SF join करो, operations करो. But remember, the biggest glory is coming with all the men you have gone into war with. Absolutely. That's the biggest thing. अगर आप operation कर रहे हो and you have zero casualties, that I think that is the biggest achievement that you can have. Because you know, ये चीज academy से बताया जाता है. कि टेररिस्ट है
तो वो मरेगा, तुम्हारे गोली से मरे या किसी और की गोली से मरे, वो मरेगा ही, वो बच के उसकी चंद दिनों की जिंदगी है. बट द मैन हु इज विथ यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, सो यू कैनॉट यू नो लूज हिम. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. एंड सर आई वॉज इन मच्छल सेक्टर, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे, वी हैड लॉट ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायर्स, फिर उसके बाद हम लोगों का काफी मतलब काफी ऑपरेशंस, आई मीन एज अ यूनिट वी गॉट अराउंड 10 टू 12 टेररिस्ट एज वेल, यूनिट गॉट अ साइटेशन, तो वहां पे हम लोग थे सर. एंड इन दैट टेन्योर ऑफ 2 years, जीरो कैजुअलिटी एज अ बटालियन सर. एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड दैट्स व्हाई यूनिट गॉट अ साइटेशन ऑल्सो, क्योंकि एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी कि एक तो इन्होंने ऑपरेशन भी किए, मारे भी, लेकिन जीरो कैजुअलिटी, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक. सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होता है. एंड बिकॉज इट्स वेरी इजी टेररिस्ट को, आई थिंक सर टेररिस्ट जिस दिन मिलता है, लोगों का भी से बोलता हूं कि यार जो लीडरशिप क्वालिटीज है ना जो आपने बात की, दिस हैव टू बी पिक्ड अप नाउ, मोस्ट ऑफ देम आर एस्पिरेंट्स, यू हैव टू लर्न नाउ, ओनली देन यू विल गेट सिलेक्टेड एसएसबी एंड देन यू विल डू वेल इन एकेडमी एंड इन लेटर ऑन आल्सो, बिकॉज यू हैव गॉट दैट, आपने वो ट्रेट्स जो है कल्टीवेट कर लिए. परफेक्ट सर. एंड सर आई थिंक ये जो ये लोग जो है सर, ये लोग सोचते हैं कि OLQ इज मुझे बैठे बैठे या करके मिल जाएगा. नो, OLQ इज अ प्रोसेस, जो मुझे लगता है सर, हम भी जब ज्वाइन करते हैं एकेडमी में, वी डोंट हैव दोस 15 OLQs, वी हैव फ्यू समवेयर, वी आर ट्रेनेबल, एंड वो धीरे धीरे जब हम ऑफिसर बनते हैं इतना ट्रेनिंग के बाद, तब जाके हमको वो एक्चुअली में हमें वो बात आती है कि हम वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सके. सो आई थिंक यू नो, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग रातों रात OLQ बना लेंगे, सॉरी गाइज, इट्स नॉट दैट. यू हैव टू गो थ्रू अ लार्जर प्रोसेस टू एक्चुअली इनकलकेट दोज ट्रेड्स इन यू.